देवी एपिसोड 5। डॉक्टर साहिबा को भी गांव वालों ने डरा धमका कर भगा दिया था। अब रेखा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था अपनी बेटी को बचाने का। उसने हर मुमकिन प्रयास कर लिया था। अब अगर वो अपनी बेटी को बचाने की और कोशिश करती तो उसकी बाकी तीन बेटियों की जिंदगी खतरे में आ जाती। रेखा लाचार थी। ऐसे ही दो दिन बीत गए। एक शाम पंडित जी मुखिया जी को लेकर चंदन से मिलने आए। आइए आइए मुखिया जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लेते, हम चले आते। अरे हम यही गांव के दौरे पे थे, पंडित जी को तुमसे जरूरी काम था, हम भी सोचे धर्म के काम में हम भी थोड़ा हाथ बटा लेते हैं। अरे चंदन, तुम्हारे वचन के अनुसार बच्ची के 5 वर्ष होने पर तुम्हें उसे मंदिर को दान करना है। जी पंडित जी। कल तुम्हारी देवी 5 बरस की हो जाएगी। जी, तो कल ही मैं उसे मंदिर को दान कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर इस कार्य में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, अब वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो उसकी बची हुई तीनों बेटियों की मौत की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये बात दरवाजे पर खड़ी रेखा सुन रही थी। फिर मैं कल आरती का मुहूर्त निकालता हूँ, उसी मुहूर्त पर तुम देवी को मंदिर को दान कर देना। जी पंडित जी। हम चलते हैं, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। जी। पंडित जी और मुखिया जी वहाँ से चले गए। चंदन घर के भीतर गया। रेखा तैयारी कर, कल तेरी बेटी मंदिर की हो जाएगी। रेखा लाचार थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आज की रात आखिरी रात थी जब रेखा अपनी लाडली को गले लगा कर सुला रही थी। माँ तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। माँ क्या देवी कल हमसे अलग हो जाएगी? हाँ बेटी। मुझे कहीं नहीं जाना है माँ। रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा ने हार मान ली थी और अब ये तय था कि देवी देवदासी बनकर रहेगी। अगली सुबह चंदन और अम्मा नए कपड़े पहनकर तैयार थे। रेखा, अरे ओ रेखा। रेखा वहां आई, वो अब तक तैयार नहीं थी। अरे बहुरिया, तुमने अब तक देवी को तैयार किया कि नहीं? देवी को मैं तैयार करता हूँ, तुम जाओ पहले खुद तैयार हो जाओ। और हाँ, नई वाली साड़ी पहनना। रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया और भीतर चली गई। जिंदगी में पहली बार चंदन ने अपनी बिटिया के बाल सवारे, उसे नए कपड़े पहनाए। नन्ही देवी बहुत खुश थी कि आज उसके पिताजी उसका इतना लाड कर रहे थे। पूरा परिवार तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गया। मंदिर में एक उत्सव का माहौल था, हर जगह रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। रेखा की चारों बेटियों को मंदिर बहुत पसंद आया, वो सभी मंदिर के अंदर ही खेलने लगी। रेखा और चंदन एक पूजा में बैठ गए, पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे। देवी बेटी यहाँ आओ। देवी दौड़ते हुए वहाँ आई। आपने मुझे बुलाया पंडित जी? हाँ, अब यहाँ बैठो अपने पिताजी के बगल में। देवी ने पंडित जी की बात मान ली और वहीं बैठ गए। पंडित जी ने विधि पूरी की और आखिर में चंदन ने देवी का हाथ पंडित जी के हाथ में सौंप दिया। आज से देवी का तुम दोनों से कोई नाता नहीं है, वो मंदिर की बेटी है और अब से वो एक देवदासी का जीवन जिएगी, वो मंदिर की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताएगी। रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे पर वो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ मुखिया जी आए। ये ले चंदन, नदी के पास वाली जमीन अब से तेरी हुई। देवी को दान करने के बदले चंदन को बहुत ही उपजाऊ जमीन मिल चुकी थी। उसे दुख था कि अब देवी उसके साथ नहीं रहेगी, पर खुशी भी थी कि अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाएगा। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए।
ये तो हमारा कर्तव्य है अम्मा। चलो अब चलते हैं। मुन्नी, रानी, मोनी। आवाज सुनते ही तीनों दौड़ आई और सभी लोग अपने घर जाने लगे। देवी भी उनके पीछे चलने लगी। तभी पंडित जी ने देवी का हाथ पकड़ लिया। हमें भी घर जाना है। आज से यही तुम्हारा घर है। नहीं, ये हमारा घर नहीं है। माँ, माँ! पुकार सुनकर रेखा पीछे मुड़ी। अब वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। माँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। आज से तू यहीं रहेगी बिटिया, पंडित जी के पास। पिताजी, देवी को घर ले चलिए ना। ले चलिए ना पिताजी। चुप, एकदम चुप। आज से देवी यहीं रहेगी। मुन्नी, मोनी और रानी आज अपनी बहन से अलग हो रही थी, पर चंदन और अम्मा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो दोनों खुश थे कि बच्ची के बदले उन्हें जमीन मिल गई। रेखा देवी को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी चंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच कर बाहर ले गया। रोते रोते रेखा और उसकी बेटियां घर पहुंची। अरे बस करो, ऐसे मातम काहे मना रहे हो, जैसे कि कोई मर गया हो। माँ, रो लेने दो इन सबको। आज जितना रोना है रो। कल से अगर तुम लोगों ने देवी का नाम लेकर रोना धोना जारी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। रो रो कर रेखा के आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच रही थी कि उसकी बेटी उसके बगैर कैसे रह रही होगी। उस दिन अम्मा ने अपने हाथों से खाना बनाया। चंदन, अरे आजा बिटवा, खाना खा ले। अरे अम्मा, तूने इतनी मेहनत काहे की? अरे अब का तुझे भूखा रहने देती? और तुम सभी महारानियां भी खाना खा लो। मुन्नी को बहुत भूख लगी थी, पर वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ, तुम भी खाना खा लो ना। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम खा लो। थोड़ा तो खा लो ना माँ। नहीं। रेखा ये सोच रही थी कि उसकी देवी ने अब तक कुछ खाया होगा या नहीं। यहाँ मंदिर में देवी भी बहुत समय से रो रही थी। पंडित जी देवी के लिए बहुत प्रकार के प्रसाद लेकर आए। ये देखो बेटी, हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। पूरी, सब्जी, मिठाई, दाल, चावल, जलेबी। देखो देखो, आओ खाने आओ। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, तो अपनी माँ के पास कैसे जाओगी? अगर मैं ये खाना खा लूँगी तो आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देंगे ना? हम तुम्हें तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, पर अगर तुम ये खाना खा लो तो हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी माँ और बहनों से जरूर मिलाएंगे। पक्का? हाँ। सुबह से भूखी देवी ने खाना खाना शुरू किया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और सारी चीजें उसकी मन पसंद थी। अब आप पक्का मुझे माँ के पास और मेरी बहनों के पास छोड़ आएंगे ना? हाँ पक्का। और बिटिया, तुम्हें आज से इसी मंदिर के पीछे वाले कमरे में सोना है। हम यहाँ अकेले कैसे सोएंगे? घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। पंडित जी वहाँ से चले गए। अब कमरे में देवी अकेले ही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। माँ, मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया माँ? वहाँ घर पर रेखा भी बिना देवी के तिल मिला रही थी। पूरी रात रेखा को नींद नहीं आई। उसे देवी की बहुत याद आ रही थी। हे माँ, आखिर तूने मुझे अपनी बेटी से अलग कर ही दिया ना? कैसी माँ है तू? जब मुझे अपनी बेटी से अलग करना ही था तो मुझे देवी दी ही क्यों? रेखा और देवी दोनों अलग हो चुके थे। क्या रेखा देवी को वापस पाने की कोशिश करेगी, या देवी वापस घर लौट आएगी, या उसे पूरा जीवन मंदिर में ही बिताना होगा? जानने के लिए देखते रहिए
हमारा अगला एपिसोड देवी एक देवदासी।